हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अंश, स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। 8 साल से ब्रीडिंग कर रहा हूँ मैं। कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आज का हमारा टॉपिक है डीवॉर्मिंग, जो कि डॉग के लिए, आपके पपी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। थ्रू आउट द लाइफ, जब तक भी आपका डॉग एक 14 ईयर 12 ईयर तक आपके साथ रहता है, लाइफ टाइम के लिए आपको उसकी डीवॉर्मिंग करनी होती है। अभी डीवॉर्मिंग के लिए कई मेरे क्लाइंट कंफ्यूज रहते हैं कि पपी की डीवॉर्मिंग कैसे करें, कब करें, उसको कितनी क्वांटिटी में, उसको टैबलेट दें या सिरप दें। तो वो सारी डिटेल आज मैं शेयर करने वाला हूँ कि एक पपी जब आप लेके आते हैं तो तब से लेके लाइफ टाइम तक आप अपने डॉग की डीवॉर्मिंग कैसे करेंगे। तो डीवॉर्मिंग एक्चुअली, डॉग कुछ टाइम के बाद डॉग्स के पेट में कुछ वर्म्स हो जाते हैं जिसके कारण डॉग बीमार होने लगता है या और कई प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो टाइम टू टाइम डीवॉर्मिंग करना इसलिए हमेशा ज़रूरी रहता है। आप अपने डॉग को, अपने पपी को टाइम टू टाइम डीवॉर्म कीजिए। आज मैं आपको, ये छोटा पपी है मेरे पास, 45 डेज़ का बीगल पपी है ये, इसकी डीवॉर्मिंग करके दिखाऊंगा। ये बीगल पपीज हमारे पास अवेलेबल भी है। रजिस्टर्ड डॉग हैं, KCI पेपर, चैम्पियन लाइन डॉग है, मदर फादर दोनों चैम्पियन लाइन है। बाकी डिटेल्स, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको बीगल पपीज चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अब बैक टू टॉपिक आते हैं, डीवॉर्मिंग। तो डीवॉर्मिंग कैसे करते हैं हम? डीवॉर्मिंग क्या, लाइफ स्पैन जो आपके पपी की जो एज है और उसका वेट है उस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे पपी आपका बड़ा होता जाएगा, डॉग बड़ा होता जाएगा, डीवॉर्मिंग का टाइम ड्यूरेशन चेंज हो जाता है, उसका साइज चेंज हो जाता है, डीवॉर्मिंग की टैबलेट का साइज चेंज हो जाता है, सिरप का क्वांटिटी चेंज हो जाता है। अभी ये पपी है, 45 डेज का है। पपी जब तक 3 मंथ्स का नहीं हो जाता, यानी कि हम डीवॉर्मिंग शुरू कर देते हैं पपी की आफ्टर 3 वीक्स ऑफ एज, तो आप जब पपी घर पे लेके आएंगे तो ऑलमोस्ट 45-50 डेज का होगा। मैं रिकमेंड कभी नहीं करूँगा कि 45 डेज, बल्कि 2 महीने से छोटा पपी आप कभी अपने घर पे मत लेके आइए, उसको मदर के साथ रहने दीजिए। ब्रीडर से आप जब भी लेके आए, मेक श्योर कि पपी की एज मिनिमम 2 मंथ्स हो। और डीवॉर्मिंग, अब उसकी एज और वेट, जब तक वो 3 मंथ्स का नहीं होता तब तक आपको पपी की डीवॉर्मिंग करनी है एवरी 15 डेज। हर 15 दिन में एक बार पपी को आपको डीवॉर्म करना है। बीगल पपीज बहुत शैतान होते हैं तो आपको हर 15 दिन में एक बार, जब तक उसकी एज 3 महीने की नहीं हो जाती। अब 3 महीने से 6 महीने तक, जब तक पपी 6 महीने का नहीं हो जाता तब तक आपको उसकी डीवॉर्मिंग करनी है वंस इन अ मंथ। 1 महीने में एक बार उसको डीवॉर्म आपको करना है, और जब 6 महीने के बाद लाइफ टाइम के लिए 3 महीने में एक बार आपको उसको डीवॉर्म करना है। अभी क्योंकि पपी 3 मंथ्स तक छोटा होता है, बिफोर 3 मंथ्स आप उसको टैबलेट मत दीजिए। किसी भी कंपनी का सिरप आप ले सकते हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं यूज़ कर रहा हूँ कीव ऑफ पपी, ये पपी के लिए स्पेशल होता है डीवॉर्मिंग के लिए। पहले आपको आपके पपी का वेट कर लेना है। अभी इसका मैंने वेट कर लिया है, ये एग्जैक्ट 2 kg का है, आई मीन 1.95 kg, कुछ 50 ग्राम ही कम है 2 kg में। तो अभी 2 kg, 1 ml, इसके पीछे हमेशा जो भी ब्रांड आप लेंगे उसके पीछे या साइड में उसकी डोसेज लिखी होगी। तो आपको क्या करना है, इस एज पर कीव ऑफ पपी 1 ml पर kg बॉडी वेट। जैसे कि इसका वेट अब 2 किलो है तो मैं 2 ml दूंगा। अभी कैसे देंगे इसको, इसको अगर आप खोलेंगे तो इसके अंदर ये सिरिंज निकलता है, सिरिंज निकलेगा और ये बॉटल होगी। इसको मैं खोल लेता हूँ। और इसको एग्जैक्ट आप मेक श्योर कि ये डोज कभी भी आप ज़्यादा ना दें, एग्जैक्ट डोज होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा कम देंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा, और अगर आप ज़्यादा दे देंगे तो पपी को उससे तकलीफ़ हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, वॉमिट शुरू हो जाएगी, पपी का पेट ख़राब हो जाएगा। इसलिए थोड़ा 19-20 चलता है। जैसे कि अभी ये 1 kg 950 ग्राम का पपी है, तो 150 ग्राम का ही डिफरेंस है, इसलिए मैं 2 ml दे सकता हूँ, पर ज़्यादा 3 ml नहीं दे सकता। अभी इसको, पपी बहुत शैतान होता है, इस टाइम पे आपको डीवॉर्मिंग देने में बहुत मुश्किल करेगा। इसको पकड़िए, इसका मुंह ऐसे खोलिए और धीरे धीरे
और डीवॉर्मिंग डन। बस इतना ही आपको करना है डीवॉर्मिंग के लिए। मेक श्योर आप डीवॉर्मिंग टाइम टू टाइम ही करिए, ना उसको डिले करिए ना जल्दी जल्दी करिए। अगर 15 दिन में करनी है तो अभी आज जैसे मैंने करी है तो इसकी डेट आप नोट करके रख लीजिए और नेक्स्ट 15 दिन में ही कीजिए, क्योंकि डीवॉर्मिंग की ज़्यादा डोज देने से पपी बीमार हो सकता है और कम देने से वो डीवॉर्मिंग का कोई बेनिफिट नहीं है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा जानकारी के लिए। फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो फ्यूचर में आप लोगों के काम आने वाली है। थैंक यू।